A very warm welcome in my YouTube channel. मैं हूँ एलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद एलिया. सो वी आर इन द सीरीज ऑफ सेल बायोलॉजी और हमने सेल की आउटर बाउंड्रीज पढ़ ली हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म. अब हम इनर सेल ऑर्गेनेल्स भी वन बाय वन पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज हम चलेंगे, ठीक है? ओके, सो साइटोप्लाज्म. आज के टॉपिक के अंदर मैं बहुत सी कोशिश करूंगा जो टर्म्स जो कई दफा कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि क्या चीज दूसरे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होगी या नहीं. सो टुडे आई एम गोइंग टू ऑल्सो एक्सप्लेन दोज टर्म्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आप इधर यूकैरियोटिक एक सेल की डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइज भी ड्रॉ की है, ठीक है? उनसे आपको अभी नहीं, उनको स्टडी करेंगे हम बारी बारी अगले लेक्चर्स में. बट जो हमारा फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले चले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छी डायग्राम बनाऊं ताकि आपको क्लियर समझ आए. सो यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनाई हुई है, जरा थोड़े ना मोटी नींब वाले मार्कर से ताकि थोड़ा क्लियर हो. और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाई है. इसके दरमियान में, यानी के सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का ये सारा रीजन, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म. ओके, एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल वॉल जो है इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, और मैंने जस्ट उसके अंदर लिविंग मटेरियल कहा था. बट चलें अब उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं. बेसिकली जो भी सेल के अंदर मटेरियल है ना, आपको मैंने बता दिया है, इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज द साइटोप्लाज्म. अब साइटो न्यूक्लियस के अंदर भी बेसिकली मटेरियल प्रेजेंट है एंड दैट मटेरियल इज बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियर मटेरियल. ओके, मैंने यहां पे नहीं लिखा होगा, ठीक है? दैट मटेरियल इज द न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है? बेसिकली उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म. That's why हमने लिविंग मटीरियल का वर्ड यूज किया था उधर, कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म व्हेन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट टर्म है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी साइटोप्लास्ट. अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जब कंबाइन होंगे दे विल मेक साइटोप्लास्ट, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं. सो अगेन आगे से साइटोप्लाज्म के अंदर दो आगे से आ जाती है हमारे पास, आ जाती है टाइप साइटोप्लाज्म की हम कह सकते हैं, या उसके पार्ट्स आ जाते हैं. तो एक पार्ट वो है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, एक पार्ट वो है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट, ठीक है? बेसिकली साइटोसोल, साइटोसोल है सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है? ये 90% वॉटर होता है. और साइटोसोल की जो मेन डेफिनेशन है ना, जब हम साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल्स को माइनस कर देते हैं ना, यानी कि अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स ना हो तो जितना भी मटेरियल होगा ना, दैट इज बेसिकली द साइटोसोल. और अगर हम उसे 90% वॉटर कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लूइड है, ठीक है? इसका मतलब अगर तो वो फ्लूइड है, उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है, इट विल बी अ सोल्यूशन. सो बेसिकली साइटोसोल आगे से दो सोल्यूशन में बटा हुआ है, वन इज द ट्रू सोल्यूशन एंड द अदर इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, इसे सस्पेंशन भी कहते हैं. अब ट्रू सोल्यूशन को देखते हैं. बेसिकली ट्रू सोल्यूशन स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि आयन, सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड्स वगैरह, ठीक है? कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन लार्ज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जो कि है प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा. आगे से कोलाइडल सोल्यूशन की दो टाइप्स है, और वो दो जो आगे टाइप्स हैं
दैट इज सोल एंड जल. सोल इज बेसिकली लेस विस्कस एंड जल इज मोर विस्कस. ठीक है, इधर तक ही हम रहेंगे. अब बात जाते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पे. बेसिकली माय फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन और फ्लूइड. देखें, हर जो ऑर्गेनेल है वो उसके अंदर ही प्रेजेंट है. एंड एवरी ऑर्गेनेल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ. अच्छा, अब हर ऑर्गेनेल का आगे अपना मेन फंक्शन है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल. राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं. लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स डाइजेशन कर रहे हैं सेल के अंदर. फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. मतलब कि हर चीज, हर जो ऑर्गेनेल है इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और हर ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. अच्छा, अब एक बात पे हम गौर करते हैं. अगर आप मुझे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको सेकंड चैप्टर के भी लेक्चर्स दूं, तो फिर मैं उसके अंदर भी आपको बताऊंगा. उसके अंदर भी वैसे हमने पढ़ना है, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं. जब उसके अंदर एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसके अंदर आप पढ़ेंगे दैट एवरी रिएक्शन विच अकर्स इन द सेल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एक्वस मीडियम साइट फॉर मेटाबॉलिज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे. एंड एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देखें, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है. एंड एवरी इज वेरी मच स्पेशल. पे है एंड इट इज स्टोर हाउस ऑफ सेल. अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो चीजों को ट्रांसपोर्ट में मदद करती है. ठीक है, कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर लेके आती है, कुछ को बाहर. बेसिकली जब सेल मेम्ब्रेन मटेरियल्स को अंदर लेके जाती है, सो दोज मटेरियल्स आर बेसिकली, हमने पढ़ा था हमारे पास ग्लूकोज था, फिर हमारे पास सॉल्ट्स थे, आयंस थे, जाते हैं इस साइटोप्लाज्म में. वो सारे के सारे चले जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में. और हर ऑर्गेनेल, हम जब आगे फर्दर पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स को, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आगे वो जो चीजें हैं वो सॉल्ट्स वगैरह उनको ये यूज करती हैं. ठीक है, दे आर नॉट जस्ट वेस्टेड. ठीक है, फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसेस विच अकर इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बेसिकली इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. अच्छा, अब जो प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं, चलिए पहला देखते हैं. द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन. When we will learn the chapter number 11, that is bioenergetics, तो उसके अंदर मैं जब हम respiration को study करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है उसके अंदर. So अभी के लिए बस इतना याद रखिए that glycolysis is the first step of respiration, जिसके अंदर glucose is break into two pyruvates. उसके बाद आ जाता है protein synthesis. आपको पता है protein synthesis कौन करते हैं. ठीक है, आगे भी हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स को. सो राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. ठीक है, उसके और आपको पता है कुछ जो होते हैं राइबोसोम्स, दे आर अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट कुछ होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म. देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल होता है इट इज ब्रेक एंड ग्लूकोज इज फॉर्म. ठीक है, फिर है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स आगे किसको बना देते हैं, ग्लूकोज को. ठीक है, सो ये कुछ प्रोसेसेस है. ठीक है, और तो ये बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, ठीक है, बट मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊं, तो क्योंकि अब बिकॉज वी आर इन FSC लेवल और FSC लेवल में जस्ट एग्जाम में आपको बुक की हद तक नहीं रहना. यू कैन राइट एज वेल सम मोर इंफॉर्मेशन, सम एक्स्ट्रा थिंग्स,
सो दैट आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपका कंटेंट अच्छा हो, ताकि एग्जामिनर बिकम्स हैप्पी और फिर आपको पता जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने अच्छे मार्क्स है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी. ठीक है, मैंने इसे पूरा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन. ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. ठीक है, कॉल करके आप कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना. ठीक है, और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर देना जो जो नए देखने वाले हैं. ठीक है, मेरे चैनल पे जो नए हैं, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड्स आपको पहुंचते रहे. ठीक है, और जो भी आप मुझे कहेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं हार्डवर्क करूंगा कि आपकी हार्ट जो है ना नीड, उसको मैं पूरा कर सकूं. थैंक यू वेरी मच.